अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक संदीप नाइक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कोपर खेरने में रक्तदान, युवा नेता स्वप्निल नाइक का आयोजन, सैकड़ों नागरिकों ने लिया हिस्सा। भाजपा के युवा नेता एवं पूर्व विधायक संदीप नाइक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कोपर खेरने के राफा नाइक स्कूल में आयोजित रक्तदान शिविर में सैकड़ों नागरिकों ने रक्तदान किया। पूर्व नगर सेवक लीलाधर नाइक एवं युवा नेता स्वप्निल नाइक ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल परेल की मदद से इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। इस अवसर पर श्रमिक शिक्षण मंडल के सचिव सुरेश दादा नाइक ने भाजपा नेता संदीप नाइक को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें समाज और जनता का सेवानिष्ठ युवा नेता बताया। साथ ही उन्होंने कैंसर पीड़ितों के लिए रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए पूर्व नगर सेवक लीलाधर नाइक एवं युवा नेता स्वप्निल नाइक के प्रयासों की भी सराहना की। हमारे नवम्बी के कार्य सम्राट विधायक, भूतपूर्व विधायक और हमारे नेते, तरुण तड़पदार नेते माननीय संदीप जी नाइक, ये 4 अगस्त उनका जन्मदिन है। इस अवसर पे उन्होंने एक संदेश प्रसारित किया है कि मेरे को पर्सनली कोई मिलने का ज़रूरत नहीं है, आपका शुभ संदेश जो है, मेरा जो ग्रीटिंग्स है वो व्हाट्सएप के माध्यम से या डिजिटल के माध्यम से मेरे तक पहुंचाओ, मेरे मिलने का आप प्रयास मत करो। उनका ये कोरोना के ये पैंडेमिक है, उस पार्श्वभूमि में उनका निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। ये बहुत समयोचित और समाज के हित उसमें ये निर्णय में है, इनके लिए मैं उनको मनपूर्वक उनको उनका सराहना कर रहा हूँ। और उन्होंने जो संदेश दिया है कि मेरा, अगर आपको इच्छा है कि आपका मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहते हो तो कुछ विधायक कार्य करो, मरीजों की हेल्प करो, जो कोरोना में लोग पीड़ित हैं उनकी सहायता करो, जो वृद्ध लोग हैं उनकी सहायता करो। और इस संदेश का को अनुसरण हमारे लोग, जो हमारे प्रभाव के नगर सेवक है इलाद जी, उनका उन्होंने ये उनके नेतृत्व पे आज का ये ब्लड डोनेशन कैंप साकार हो रहा है। और टाटा हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी इसमें मदद मिली है। मैं और इसमें स्वप्निल जी नाइक जो हमारे युवा हैं उन्होंने कुछ 100 बॉटल्स हम कलेक्ट करेंगे ऐसा मनोदय व्यक्त किया है। और वो मेरे ख्याल से उनमें जो उत्साह है वो उत्साह देख के ये 100 बॉटल का टारगेट उनका वो सही हासिल करेंगे ऐसा मेरे को विश्वास लग रहा है। और इस विधायक काम के लिए मैं लीलाधर जी का हमारे नगर सेवक और स्वप्निल जी उनका मनपूर्वक मैं उन इस निर्णय इस प्रोग्राम के बारे में उनका मैं सराहना कर रहा हूँ और उनको आज के प्रोग्राम के लिए मैं मनपूर्वक शुभेच्छा दे रहा हूँ। बता दें कि शिविर में पूर्व नगर सेविका वैशाली ताई नाइक, टाटा हॉस्पिटल की डॉक्टर नीलम, डॉक्टर केतन कटारिया, राफा नाइक महाविद्यालय एवं स्कूल के प्रताप महाड़ी एवं सुधीर थले खास तौर पर मौजूद थे। यहाँ डॉक्टरों और रक्तदाताओं ने भी शिविर के आयोजकों की प्रशंसा की और कोरोना काल में अपने नेता के नाम पर आयोजित इस सामाजिक उपक्रम को
सच्ची सौगात बताया। जो हमारे यहाँ के जो कॉर्पोरेटर साहब हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। सो बेसिकली ऐसा है कि टाटा में ऑन एन एवरेज हमें रोज़ के एटलीस्ट 100 ब्लड बैग्स चाहिए होते हैं ऑन नॉर्मल डे। ये कोविड टाइम्स में थोड़ा कम हुआ है, बट एटलीस्ट 50 वी नीडेड, एटलीस्ट 50। सो आप समझ सकते हैं कि 50 रोज़ के, तो वी नीड अ लॉट ऑफ ब्लड फॉर आर पेशेंट्स। सो आई एम होपिंग के ये कैंप से हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके लिए एक अवेयरनेस चाहिए होता है, वो आई थिंक सो यहाँ के जो हमारे कॉर्पोरेटर और सभी ने किया था, उसके लिए आई थिंक सो वी आर थैंकफुल टू देम। एंड मिस नीलम जो हैं वो हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी काफ़ी अवेयरनेस किया हुआ है, एंड टू स्पेशली टू द पीपल कि वो इतने लार्ज नंबर्स में आ रहे हैं एंड दे आर डोनेटिंग, विच इज अ गुड थिंग। स्वप्निल नाईक, आम्हाला एक तरुण वर्गाला एक आदर्श म्हणून हे आहे, आणि त्यांनी जो एक उपक्रम राबवला आहे त्यामार्फत समाजाचं एक भान राहिलं आणि एक आपण देणे लागतो समाजाचं, ते कार्य आमच्या हातून होते म्हणून आम्हालाही आनंद झाला। आणि स्वप्निल नाईक जे पण कार्य करेल त्याच्यासाठी आम्ही त्यांना नेहमी सहकार्य करतच राहू, ते आमचे आयडल आहेत आणि त्यांनी आम्हाला चांगलंच उदाहरण दिलं आहे, त्यांचा नेहमीच आम्हाला प्रेरणा आहे आणि त्यांच्या प्रेरणेनेच आम्ही स्वतः म्हणजे रक्तदान करतो आहे। आणि त्यांना जन्मदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। आणि या कोविडच्या प्रसंगामध्ये सुद्धा त्यांनी स्वतःहून रक्तदान करून तरुण लोकांना जे मार्गदर्शन केलं आहे खूपच चांगलं आहे आणि त्यांना उदंड आयुष्य लाभो हीच सदिच्छा। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।